शॉपिंग हमारी हो गई है और हम घर जा रहे हैं। आए तो उनको लेने गई थी उस गेट तक। इतना सोइए, इतना सोइए। कल ये कितने बजे सोई थी तुम? 7 बजे? 6 बजे? 6 बजे सोइए और सुबह मैंने इसको 7 बजे उठाया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहाँ जा रही हूँ सुबह सुबह, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। बाहर देख रहे हैं जी, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है आज दोबारा से, कल रात से हो रही है और अभी थोड़ी सी रुकी है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं जा रही हूँ आयत के साथ, आयत को शूले छोड़ने, यानी कि किंडर बेथरोइंग। वैसे इनके बाबा जा रहे थे 2 दिन से, बट आज उनको कोई काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है और आइसल को भी हम साथ लेकर जा रहे हैं और चलते हैं। और फिर बाहर का मौसम मैं आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ कि कैसा है। आइसल भी, आइसल भी जा रही है अभी आयत के शूले और बाहर, बाहर देखे हुए। अब हम आगे हैं मार्केट में, थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग करेंगे। आयत को छुट्टी हो गई है, हाइजल भी हमारे साथ ही है। तो आपसे बाद में शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि ये बच्चे को भी मैंने पकड़ा हुआ है और बास्केट भी होगी और एक बच्चा बाहर है। शॉपिंग हमारी हो गई है और हम घर जा रहे हैं। और मौसम आज आपने देखा और आज हम क्या क्या करते हैं आज हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। आपके बाल भी वाइट हो रहे हैं। मेरे भी बाल वाइट हो गए। ओ हाँ, मेरे भी हो गए और आपके बालों पे भी। चलो। ओह, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई दोबारा से, रुकी हुई थी। कैसा मौसम है आज का। ओके जी फ्रेंड्स, अब मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने बनाया है गाजर का हलवा और इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा। एंड यहाँ से वो नहीं मिलता, क्या कहते हैं उसको, खोया। खोया नहीं मिलता तो खोए की जगह मैं डालूँगी सूखा दूध। और अगर यहाँ से जो हमारे करीबी जर्मनी के फ्रेंड्स हैं उनको पता हो कि खोया कहाँ से मिलता है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। मैंने बड़ी कोशिश की है, यहाँ से खोया नहीं मिला, तो खोए की जगह मैं ये डाल लेती हूँ सूखा दूध। और बहुत ही का बनता है। और आप, मौसम आज का आपने देखा कि कितना ठंडा ठंडा है, तो सर्दियों की सौगात है और इनके बाबा को बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर मैं गाजर का हलवा एंड गजरेला बनाती रहती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का सर्दियों में। तो आपको मैं, अगर रेसिपी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। बहुत आसान सा है और अक्सर ही बनाती रहती हूँ। तो एक वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जो कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी इस जगह पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं इस वीडियो में ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कौन सी जगह है। ये वो जगह है जहाँ हम अपना पुराना सामान देकर आते हैं। तो काफ़ी एक्स्ट्रा सामान था घर में और कपड़े वगैरह थे और बच्चों के शूज़ थे और क्या ये फर्नीचर था और आयत का पुराना वो जो है कैरी कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें सामान, एक्स्ट्रा सामान था जो कि फिर मैंने इकट्ठा किया टाइम निकाल के और आज हम ये सामान देने आए हैं इस जगह पर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपना पुराना फर्नीचर एंड मैट्रेस एंड कपड़े एंड एक्स्ट्रा सामान हम देते हैं आकर। तो ये काफ़ी बड़ा सेटअप बनाया है, इसका नाम है कैरीतास। और सारा अलहदा स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बनाया है कि कौन सा सामान आपने कहाँ देना है इसी जगह पे। तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि कूड़े में हम फेंक दें या बाहर हम फेंक दें, ऐसा नहीं है यहाँ सिस्टम। तो ये एक अलहदा से काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और ये सारे लोग, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अपना पुराना सामान ही लेकर आ रहे हैं। इस जगह का नाम है कैरीतास। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अपने पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड दूसरी कंट्रीज़ के जो हमारे व्यूवर्स हैं, फ्रेंड हैं हमारे, तो उन लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ जो कूड़ा फेंकने का सिस्टम है वो भी बड़ा यूनिक सा है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सिस्टम है, क्योंकि आजकल मैं कूड़ा फेंक के नहीं आ रही। तो मैं जिस दिन जाऊंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अब्दुल्ला एंड इनके बाबा एंड परी फेंक के आते हैं, तो वो भी एक गत्ते का सामान अलहदा उन्होंने बास्केट रखी है उसमें डालना है। और शीशे का जो शीशे की चीज़ें हैं कूड़े में वो अलहदा बास्केट है, और दूसरा जो गीला सा होता है कूड़ा वगैरह तो वो अलहदा है। यानी कि बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने, एक हर बिल्डिंग का अलहदा अलहदा है। तो वो भी मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी।
बट आज की जो वीडियो है जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो ये यहाँ ऐसा सिस्टम है कि ये कलैदा काफ़ी बड़ा बनाया है, तो जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा सामान देकर आ सकते हैं और फेंक नहीं सकते बाहर। तो आई होप को आपको आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और मुझे याद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हम लोग क्या करते थे अपने पुराने सामान का। ऐसा तो वैसे काफ़ी अरसा हमारा पुराना सामान, हमारी अम्मियों के दौर का भी सामान मैंने देखा है कि घर में ही होता था, और छोटे जो कपड़े वगैरह होते थे वो हमारे छोटे बहन भाई पहन लेते थे, या इस तरह का सिस्टम था इतनी जल्दी। और यहाँ तो यहाँ छोटे बहन भाई इतने नहीं होते कि कज़न वगैरह के आपस में हम लोग बाँट लें या दे दें, तो एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरह की काफ़ी होती हैं जो कि न्यू होती हैं बट यूज़ में नहीं होती, तो वो हम इस जगह पे आके दे देते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि ये सिस्टम, तो आप भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग की कंट्री में भी क्या सिस्टम है कि पुराना सामान कहाँ देकर आते हैं, क्या करते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वापस चलते हैं, अब्दुल्ला एंड परी स्कूल से आ रहे हैं, आए तो उनको लेने गई थी उस गेट तक खाना खाने से। ओ आयत के लिए टे लेकर आई है पापो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है तुम्हारे लिए स्पेशल देसी घी का। इसको कोई चीज नहीं पसंद आती वैसे अब्दुल्ला, है ना। ओके जी, इनको अब खाना शाना देती हूँ। क्या खोलो? ओपन यार, ये कितनी बुरी बात है परी। अच्छा मम्मा ने मुझे मोबाइल भी नहीं चलाना दिया। अच्छा मैंने इसको कहा कि मोबाइल नहीं यूज करना, आराम करो। इतना सोइए, इतना सोइए। कल ये कितने बजे सोई थी तुम? 7 बजे? 6 बजे? 6 बजे सोइए, और सुबह मैंने इसको 7 बजे उठाया। 7 बजे उठ के, यानी कि कल 6 बजे की सोई, सुबह 7 बजे उठ के स्कूल गई है। कैसा फील हुआ आपको? और कुछ खाया भी नहीं था कल, दो दिन नहीं, कल खा के सोई है। खाना खाती सारी सो गई थी, कल मैंने जबरदस्ती खिलाया आज क्या अपने हाथों से। आज क्या बनाया? पास्ता एंड गाजर का हलवा। अच्छा कौन सा पास्ता? कौन सा जो पास्ता बनाते हैं? स्पैगेटी या पास्ता? नहीं स्पैगेटी नहीं, पास्ता। यार ये लड़की कुछ भी बना दो ना, कुछ भी कहेगी बस मुझे ये नहीं पसंद। अब देखो पास्ता कौन सा पास्ता, इसको वैसे ये पास्ता शौक से खा लेती है, बट जो है ना पूछा इसने स्पैगेटी या पास्ता, इसने कहा मैं मुंह बनाना है। मैंने इतना काम करने है, मैंने मेरी दोस्तों ने कल इतना फोन किया, हमारे रोज डेली रूटीन होती है ना चुगलियां। स्कूल में भी तुम 4-5 बजे तक बैठ के क्या करती है? दोस्तों के साथ ही होती हो, आके भी दोस्तों के साथ? ये क्या के साथ? ओ आइजल उठ गई। ओके बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।